ओके ना, ओके ओके। अच्छा, शव को जलाया जाता है। शव को जलाया जाता है। ओ, ये घाट बेसिकली आप मतलब करते क्या है? मतलब मैं एक्स सर्विस मैन। अच्छा अच्छा, बीएसएफ में, मैं इंडिया में था। ओ ओके ओके ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। ओ अच्छा। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन आ चुकी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसी से हम लोग को नरकटियागंज जाना है। हमारी ट्रेन खुल चुकी है और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं नरकटियागंज। कम से कम 100 से 40 किलोमीटर दूर है नरकटियागंज। नेपाल को मैं बहुत मिस करूंगा। नेपाल से एक जुड़ाव सा हो चुका था। मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं रक्सौल आऊँगा और नेपाल जाऊँगा। तो ये खुशनसीबी है कि मैं नेपाल गया। वहाँ का मैंने कल्चर देखा, काफ़ी पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बेतिया स्टेशन पे काफ़ी जोरों से यहाँ पर बारिश हो रही है, काफ़ी भयंकर बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बरसात आ चुकी है। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं नरकटियागंज और रात के अभी 10:30 बज रहे हैं और इस ट्रेन ने 10 बजे ही पहुंचा दी थी। और अभी थोड़ा सा ज़्यादा भूख लग रहा है मेरे को, तो जाते थोड़ा सा कुछ खाना वाना खा कर और आपसे सुबह में बात करते हैं। और स्टे मेरा यहीं पे होने वाला है, नरकटियागंज में ही स्टे होने वाला है। और कल मेरे को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी जाना है, तो काफ़ी ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो यदि आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। रात का व्यू, नरकटिया जंक्शन का ये रात का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको अच्छे से व्यू कल मॉर्निंग में आपको दिखा दूंगा इस नरकटिया जंक्शन का। और चलिए अब जाते हैं खाना वाना खाकर, आप लोगों से मैं सुबह मिलता हूँ। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम नरकटियागंज। तो देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, मैं बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो चुका हूँ। और आगे का प्लान ये है कि आगे जाना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो कि यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो यहाँ से चलते हैं, पहले नाश्ता वास्ता कर लेते क्योंकि भूख काफ़ी ज़ोरों से लग चुकी है। और यही कुछ नज़ारा है नरकटियागंज स्टेशन का। तो खाकर कुछ आपको व्यू दिखा देते हैं नरकटियागंज का, जो कि काफ़ी बेहतरीन स्टेशन है ये। रक्सौल से भी ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये स्टेशन, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीन ऐसा है अभी कि हम लोग को नरकटियागंज से बघा स्टेशन जाना होगा, क्योंकि बघा स्टेशन से वहाँ वाल्मीकि नगर अप्रॉक्स 20 से 25 किलोमीटर है। तो वहाँ से आसानी होगा जाने में हम लोग को वाल्मीकि आश्रम। तो अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन जैसे ही आती है बघा जाने के लिए हम लोग उस पर बैठेंगे और बघा स्टेशन जाएंगे। क्योंकि नरकटियागंज से यदि जाते हैं तो काफ़ी काफ़ी कॉस्ट पड़ जाएगी मुझे और अच्छा खासा दूरी भी पड़ जाता है नरकटियागंज से। ऐसे हम लोग को ट्रेन पर हम लोग जाएँगे बघा स्टेशन, फिर बघा स्टेशन से बस पकड़ कर फिर वाल्मीकि नगर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है बघा जाने वाली, ये देख सकते हैं। इसी पर हम लोग बैठेंगे और बघा स्टेशन जाएंगे। तो चलिए आपको डायरेक्ट बघा स्टेशन पे ही मिलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन निकल चुकी है नरकटियागंज से, देख सकते हैं, और डायरेक्ट अब आपसे मिलते हैं बघा स्टेशन पे। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं बघा स्टेशन और यहां से अब जाना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वहां जाकर देखते हैं कि क्या वहां अभी खुला हुआ है, क्योंकि अभी कोविड के चलते हो सकता है कि शायद बंद हो, लेकिन जाते हैं और देखते हैं कि क्या वहां का नज़ारा है।
बगा स्टेशन भी काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। इसमें भी तीन लाइन है दिया हुआ है, 1, 2, 3 देख सकते हैं। यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है बगा स्टेशन। सो फ्रेंड्स, आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं अभी बगा स्टेशन से मैं गया नहीं हूँ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं करीबन 1 बजे यहाँ पहुँचा था बगा स्टेशन पे, और मैं 1-2 ऑटो वाला भैया से पूछा कि यहाँ से कितना दूर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो उन्होंने बताया कि 30 से 35 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो हमने सोचा कि अगर इस टाइम जाते हैं तो जाते जाते कम से कम 3 से 4 बज ही जाएगा, तो काफ़ी शाम हो जाएगा। और उधर स्टे करना बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि उधर जंगली पूरा इलाका है, तो उधर स्टे करना मुश्किल था। तो इसी कारण हमने प्रोग्राम बनाया कि बगा स्टेशन में ही आज रुकते हैं, स्टे करते हैं, और फिर कल हम लोग वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जाते हैं और वहाँ का जो इलाका है घूमने लायक, एक्सप्लोर करने लायक, वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, और वहाँ से फिर कर फिर शाम में ही हम लोग पटना के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। तो आज हम लोग स्टे यहीं बगा स्टेशन पे ही करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कल यानी कि कल 5 बजे सुबह में यहाँ से हम लोग निकलेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के लिए। तो देख सकते हैं ये शाम का वक्त है बगा स्टेशन में मेरा, और क्या नज़ारा है स्टेशन का देख सकते हैं, लेकिन अभी काफ़ी सुनसान हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं आ चुका हूँ ये ढाबा में, जो कि स्टेशन के बगल में ही ये ढाबा है, और यहाँ पर 70 रुपये में आपको मन भर खाना खिलाया जाता है, जो कि नॉनवेज आपको मिलता है। यहाँ पर प्योर नॉनवेज ही यहाँ पे सर्व किया जाता है, वेज का कोई यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो नॉनवेज यहाँ पे 70 रुपये में आपको मिलता है, जो कि आपको मुर्गा या मीट या मछली, ये 3 वेराइटी आपको मिलती है, और काफ़ी यहाँ पर आप जितना आपका मन है उतना आप चावल ले सकते हैं, और आपका मीट या मुर्गा जो आपने लिया है वो ले सकते हैं। सो चलिए अब मैं भी थोड़ा सा खाता हूँ, क्योंकि काफ़ी भूख लग चुकी है। सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा खाना आ चुका है। यहाँ पर पहले भैया ने दिया है टेस्ट करने के लिए, या फिर टेस्ट कर बताया कि नमक कैसा है। ये मैंने मुर्गा यहाँ पर, चिकन यहाँ पर ऑर्डर किया है, थोड़ा सा इसका मैं चख कर देखता हूँ कि नमक कैसा है। और यहाँ पर मेरा चिकन आ चुका है, जो कि नमक काफ़ी बेहतरीन था। यहाँ पे देख सकते भैया कितना अच्छा बना है यहाँ पे, और ग्रेवी तो माय गॉड, खाने में तो और लाजवाब लगेगा। देख सकते इसका ग्रेवी कितना लजीज देखने में ही लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं चावल, चिकन और प्याज। सो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है, 5 बज चुका है, और मैं बस पे बैठ चुका हूँ, और यहाँ से बगा से वाल्मीकि नगर जाऊंगा, जो कि 20 से 25 किलोमीटर यहां से दूर है वाल्मीकि नगर। और यहां से हम लोग चलते हैं वाल्मीकि नगर, और आपको वहां का क्या क्या बेहतरीन चीज़ है उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जिसके लिए हम लोग आए थे वो फाइनली इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि अब हम लोग फाइनली अब जाने वाले हैं घूमने के लिए वाल्मीकि आश्रम और टाइगर रिजर्व। अभी हम लोग इस वक्त टाइगर रिजर्व में ही खड़े हैं, देख सकते हैं ये पूरा अगर आपको दिख पा रहा होगा मेरे पीछे, तो ये पूरा टाइगर रिजर्व ही है। और इसके अंदर जाने के लिए मैं आपको, चलिए पहले एक बोर्ड दिखा देता हूँ। बोर्ड में पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि कौन कौन कितना किलोमीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पर दर्शाया गया कि कौन कौन कितना किलोमीटर है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर में नर देवी मंदिर 1.2 किलोमीटर है,
और इधर जटाशंकर मंदिर 2.5 किलोमीटर है और कौलेश्वर मंदिर 6.5 किलोमीटर है और वाल्मीकि आश्रम 4.4 किलोमीटर है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वाल्मीकि आश्रम के लिए यहाँ से कोई भी टोटो या ऑटो कुछ नहीं जाता है, बस आपका अगर खुद का बाइक हो या खुद का फोर व्हीलर हो तभी आप जा सकते हैं वाल्मीकि आश्रम में। तो आप पैदल 4.4 किलोमीटर तय कर जा सकते हैं। और इधर देख सकते हैं ये जो नर देवी मंदिर है वो इधर जाने का रास्ता है और ये भी काफ़ी फेमस नर देवी मंदिर है। तो यहाँ पे पूरा बताया गया कि कौन कौन कितना किलोमीटर है जाने का है। तो हम लोग पहले जाएंगे वाल्मीकि आश्रम जो कि 4.4 किलोमीटर है और उधर ही टाइगर रिजर्व का मेन गेट है। तो वहाँ चलते हैं और जानते हैं कि कितना टिकट लिया जाता है अंदर जाने का, और चलते हैं उधर ही पता करते हैं कि कितना क्या प्राइस है टाइगर रिजर्व का घूमने का पूरा। ऐसे तो 2500 रुपया भैया बता रहे थे, लेकिन जाके पता करते हैं कि आखिर कितना रुपया लिया जा रहा है। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं जटाशंकर मंदिर 1.7 किलोमीटर और कैलेश्वर मंदिर 2.7 किलोमीटर और वाल्मीकि आश्रम 3.6 किलोमीटर। यहाँ से मतलब हम लोग करीबन 1 किलोमीटर अप्रॉक्स यहाँ से चल चुके हैं वहाँ से। और इधर देखिए जाने का रास्ता, ये जो तीनों है इधर से रास्ता है जाने का। पहले हम लोग ने डेस्टिनेशन चेंज कर दिया है, हम लोग टाइगर रिजर्व जा रहे हैं जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 500 मीटर है। वहाँ जाकर जानते सफारी का कितना चार्जेस लिया जा रहा है वो पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग फिर वाल्मीकि आश्रम जाएंगे। तो यहाँ से करीबन 500 मीटर है अप्रॉक्स, उधर जो मैंने आपको दिखाया था कि वाल्मीकि आश्रम 3.6 किलोमीटर है, वहाँ एक भैया थे वो उन्होंने बताया कि यहाँ से 500 मीटर का यहाँ से रास्ता है टाइगर रिजर्व के लिए। तो वहाँ जाते हैं और पता करते कि आखिर सफारी कराने का कितना चार्जेस लिया जा रहा है। तो अभी हम लोग सुनसान सड़कों पे चले जा रहे हैं और काफ़ी धूप भी है, और देखते हैं कि क्या वहाँ कितना चार्जेस लिया जा रहा है, उस मुताबिक हम लोग करेंगे। सो देख सकते हैं काफ़ी सुनसान ये जंगल है, बीच साइड साइड में जंगल, बीच में रोड, काफ़ी भयानक मंजर। हाँ, काफ़ी गर्मी भी है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक दो बोले थे कि कभी कभी जानवर निकल जाते हैं साइड साइड से, जंगल में घूमते रहते हैं। तो काफ़ी थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं ना निकल जाए इधर से जानवर, तो काफ़ी लेने के देने पड़ सकते हैं, फिर भी चलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी धूप है और मैं चले जा रहा हूँ। अभी और कुछ दूर चलना पड़ेगा, हालत ख़राब हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं अमेजोन के जंगल में आ गया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। देख सकते हैं अगल बगल पूरा जंगली जंगल है और बीच में रोड है, देख सकते हैं, और ऊपर से सूर्य देवता वो अलग ही परेशान किए हुए हैं। चलते हैं, देखते हैं कितना दूर है। आप लोग इस वीडियो में बने रहें, जितना हो सके कोशिश करूंगा आप लोग को दिखाने के लिए वाल्मीकि आश्रम टाइगर रिजर्व जितना हो सके पॉसिबल हो। सो फ्रेंड्स अभी चलते चलते आ चुके हैं इको पार्क में, जो कि यह यहाँ का काफ़ी फेमस इको पार्क है पश्चिमी चंपारण का। आइए आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं यही है इको पार्क, जो कि यहाँ का फेमस है इको पार्क है, और इसी के अंदर सफारी किया जाता है। देख सकते हैं इको पार्क ये भैया, इसी के अंदर किया जाता है सफारी। अच्छा, उसके अंदर, ठीक है। तो देख सकते हैं यही है इको पार्क, और चलिए आपको सफारी जहाँ कराया जाता है वहाँ लेके चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का बोर्ड है, जिला प्रशासन सन पश्चिमी चंपारण बेतिया, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बोर्ड इस टाइप का लिखा हुआ है, लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, रूल एंड रेगुलेशन। आप चलिए इधर से जाना है जंगल कैंप के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर जंगल कैंप लिखा हुआ है, इसी के अंदर से सफारी करने का गाड़ी मिलता है। तो चलिए पता करते हैं कि कितना चार्जेस है जंगल सफारी का, उसका कितना चार्ज है? 2000।
अच्छा 2000 है। ऊपर देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर इको टूरिज्म सेंटर वाल्मीकि नगर का यहाँ पर पूरा दिया गया है चार्ट। यहाँ पर कौन कौन चीज़ आप करना चाहते हैं यहाँ पर दिया गया है, टूरिस्ट स्पॉट, जंगल सफारी, बोट सफारी, कौलेश्वर झूला, रिवर फ्रंट, इको पार्क, वाल्मीकि विहार, गंडक बराज। तो ये पूरा दिया गया, इसका जो टिकट है वो यहाँ पे कटता है देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे एक गूगल वेबसाइट भी दिया गया है, आप इस वेबसाइट पे जाके पूरा चेकिंग कर सकते हैं किस चीज़ का क्या प्राइस है, क्या टिकट का चार्ज लिया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर जंगल सफारी के लिए 2000 रुपया चार्ज किया जा रहा है, और इसमें भी आपका किस्मत है कि इसमें जानवर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हमारे बजट के ये ज़्यादा ऊपर है जंगल सफारी, तो जंगल सफारी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बस यहाँ पर जानने आए थे कि कितना यहाँ पर चार्जेस लिया जा रहा है, अगर कम होता तो हम लोग जाते, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हाई चार्जेस है, 2000 रुपया है, तो ये हमारे बजट के ज़्यादा है। यहाँ पर एक ट्री हाउस भी है, आपको मैं नज़दीक जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर ट्री हाउस भी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ट्री पे यहाँ पे हाउस बना हुआ है काफ़ी लाजवाब तरीके से। और यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो दो आप कार देख रहे हैं इसी पे सफारी कराया जाता है, जंगल सफारी, जो इसी का 2000 रुपया चार्ज लिया जाता है। तो देख सकते यही है ये दोनों कार, पर देख सकते फ्रेंड जो मैं बता रहा था कि 2000 रुपया लिया जा रहा है सफारी का, तो इसमें पूरा विवरण से बताया गया है। इस सफारी का नाम है जिप्सी सफारी, टाइप है जिप्सी, चालक एवं गाइड के साथ आपको मिलेगा, और क्षमता 6 व्यक्ति के साथ आप इस जिप्सी पर बैठ सकते हैं। समय अवधि 2 घंटा का है, और शुल्क 2000 रुपया प्रति वाहन, मतलब कि हर वाहन पर 2000 रुपया आपको लगेगा, और 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। सो फ्रेंड्स इस वक्त मैं गंडक नदी के पास आ चुका हूँ। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये गंडक नदी है, और इसे आप लोग त्रिवेदी नदी भी कह सकते हैं, इसे त्रिवेदी नदी भी कहा जाता है, और ये सीधा नेपाल से बहकर ये नदी आती है। और उधर साइड जो देख रहे हैं ये वादियाँ जो उधर साइड देख रहे हैं वो पूरा नेपाल है, नेपाल का बॉर्डर सटा हुआ है। और आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ हमारे नेपाली भाइयों से इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर ये नदी क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं फिर से यहाँ पर कौलेश्वर झूला है, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि कौलेश्वर झूला का भी यहाँ पर टिकट लिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर यदि आते हैं तो कौलेश्वर झूला का भी मज़ा ले सकते हैं, उधर साइड झूला है। तो यहाँ पर आइए एक हमारे नेपाली भाई मिल गए, इनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ बताइए? मेरा नाम है जिनेक। जिनेक नाम है, तो यहाँ मतलब क्या करने आए हैं? हम घूमने आए हैं, इको पार्क घूमने आए हैं। इको पार्क, और क्या क्या घूमने आए हैं? इको पार्क हो गया, यही नदी वदी झूला उला। अच्छा, और ये जो नदी है ये क्या, कौन सा नदी है? ये त्रिवेदी नदी है, मतलब त्रिशूली नदी से आता है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है, मतलब तीन नदी मिलते हैं इसमें? कौन कौन वो तो नहीं पता है, तीन नदी समूह है। मतलब यहाँ के प्रॉपर निवासी है, नेपाली। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम योगेश थापा। अच्छा, तो आप प्रॉपर नेपाली हैं? जी हाँ, मैं नेपाली हूँ, प्रॉपर इन द सेंस, वैसे तो मैं इंडियन था। अच्छा अच्छा अच्छा, फिलहाल अभी मैं नेपाल में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए वो जो नदी है वो कौन सा नदी है? वो ये यहाँ दो नदी का संगम है। अच्छा, दो नदी का, लेकिन लोग कहते हैं तीन नदी का है। तीन नदी का है, मेरे को यहाँ के बारे में सोना सोन नदी बन से तो गंडकी है, काली गंडकी बोलते हैं इसे, काली। तीन गंडकी नहीं, तीन नहीं है यहाँ पे, उधर तीन। तो इसे मतलब कि बोलते क्या है, प्रॉपर से क्या बोलते, बोल सकते हैं इसको? गंडकी नदी, काली गंडकी नदी बोलते हैं। अच्छा, गंगा नदी बोलते हैं? गंगा नदी नहीं, वैसे काली गंडकी नहीं, लेकिन इसे लोग कह रहे थे कि इसे त्रिशूली नदी भी कहते हैं। त्रिशूली नदी आगे है। अच्छा, आगे है। हाँ। जाएंगे ना। हाँ। त्रिशूली नदी इसी में मिलता है, यही है। अच्छा। वो नदी यही बह के त्रिशूली नदी इसी में मिलता है। अच्छा। लेकिन यहाँ नहीं मिलता, वो आगे नारायणगढ़ से आगे मिलता है। अच्छा, तो इसे है ना वो, और इसे, अच्छा, और इसे मतलब कह सकते हैं गंडक नदी है ना? गंडक नदी, काली गंडक। और जो उधर साइड नेपाल है क्या, उधर साइड? हाँ, अच्छा, ये जो बाबू ना पानी, हाँ हाँ हाँ, पानी को उस पर नेपाल हुआ, इस पर इंडिया। अच्छा, वो पानी के उधर नेपाल, इधर इंडिया हुआ। चलिए, आपका नाम क्या हुआ मैम? शांति। शांति हुआ। सो फ्रेंड्स इन नेपाली भाइयों से बात किया तो एक चीज मुझे अच्छा लगा, जैसे मुझे कैमरा के सामने बोलते हुए देखा तो उन्होंने समझ लिया कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऐसे अगर बिहार में कहीं भी जाते हैं तो लोग समझते कि ये आखिर कर क्या रहा है, लेकिन ये लोग समझे कि ये ब्लॉगिंग भी कुछ ऐसी चीज़ होती है। इस नदी के मैं बारे में आपको बेसिकली बता देना चाहता हूँ कि ये जो नदी है
इसे गंडक नदी कहते हैं और ये तीन नदी मिलकर ये एक नदी बनती है। जिसका कौन कौन ये तीन नदी है वो आप ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल कर सकते हैं। ये जो काठमांडू में जो त्रिशूल नदी है उसी से ये बहकर यहाँ पे आती है और इसे यहाँ पर इंडिया में गंडक नदी बोलते हैं। और ये इस नदी की जो उधर साइड आप लोग देख रहे हैं, उधर साइड नेपाल हो गया और इस साइड इंडिया हो गया, तो देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ पर कुछ हमारे नेपाली भाई लोग यहाँ पे अपने फैमिली के साथ आकर यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो यही कुछ ओवरऑल नज़ारा है। उधर भी जाके बना सकते हो ब्लॉग, किधर साइड उधर भी जा सकते हो आप, आराम से जा सकते हो, कोई आपको पूछताछ नहीं है। अच्छा, नेपाल में जाके बना सकते हो, कोई रोक ठोक नहीं होगा? नहीं, कोई रोक ठोक नहीं है, इंडिया नेपाल बराबर ही है। ओके ओके, ये घाट है ये यहाँ पे, है ना? ओके ओके, शव को जलाया जाता है। अच्छा, शव को जलाया जाता है, ये घाट। बेसिकली आप मतलब करते क्या है? मतलब मैं एक्स सर्विस मैन हूँ। अच्छा अच्छा, बीएसएफ में, मैं इंडिया में था। ओके ओके ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। ओके ओके, एक्चुअली मैं ओरिजिनली शिलोंग का हूँ, मेघालय का। मेघालय जानते हो? या जानता हूँ, मेघालय वो एक स्टेट है। जी जी जी, शिलोंग उसका कैपिटल है। ओके, मैं वहीं से हूँ मैं। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, यही था वाल्मीकि नगर का ये नज़ारा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल आप चलते हैं वाल्मीकि आश्रम, जो कि यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर का यहाँ से रास्ता है। और उधर से जब मैं आया था तो उधर करीबन 3.6 किलोमीटर अप्रॉक्स था, बट अब यहाँ से बढ़ चुकी है डिस्टेंस। तो फिर सभी जटाशंकर चेक पोस्ट के पास आ गए हैं और यहाँ से चलते हैं हम लोग वाल्मीकि आश्रम और वहाँ से जो जो चीज़ है वहाँ से कवर करते हुए हम लोग, यहाँ देख सकते हैं ये जो है टोटो, इसी पर से हम लोग जाएँगे और यहाँ से पूरा कवर करते हुए वापस फिर आ जाएंगे। सो फ्रेंड, यहाँ से हम लोग को एक टोटो लेना पड़ा है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को तीन चीज़ घूमना है बेसिकली। पहला हम लोग को कौलेश्वर मंदिर घूमना है, दूसरा जटाशंकर मंदिर घूमना है और तीसरा वाल्मीकि आश्रम घूमना है। तो वाल्मीकि आश्रम के लिए तो यहाँ से ऑटो जाती नहीं है, वहाँ से हम लोग को पैदल जाना होगा। बट ये दो जगह हम लोग को यहाँ से काफ़ी दूर पड़ रही थी, जिसकी वजह से गर्मी भी है, जिसकी वजह से हम लोग को ऑटो यहाँ से बुक करना पड़ा, जिसकी कीमत हम लोग को 70 रुपये पड़ा है। 70 रुपये में आपको घुमा कर दोनों जगह से घुमा कर फिर वापस यहीं पर ला के छोड़ देंगे। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या सीन है और काफ़ी मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखें, अभी और काफ़ी मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ का रोड देख सकते हैं, काफ़ी ऊपर खावड़ जैसा रोड है यहाँ पर। यहाँ पर कभी सीधा चलती है टोटो तो कभी उल्टा चलती है, देख सकते हैं काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, सकरी रास्ता है। और यहाँ का जंगल देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी भयंकर, काफ़ी खूंखार जैसा जंगल मुझे लग रहा है। लग रहा है अब कोई जानवर आ जाएगा और हम लोग पर अटैक कर देगा, काफ़ी भयानक यहाँ का जंगल है, अमेजोन जैसा जंगल है, देख सकते हैं आप लोग। जाना है वहाँ पे, चलिएगा।
सो फ्रेंड्स देख सकते हैं पहुंच चुके हैं कालेश्वर मंदिर और ये कुछ नज़ारा रहा कालेश्वर मंदिर का। चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारा। काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर बना हुआ है कालेश्वर मंदिर, बिल्कुल बीचों बीच जंगल के बीचों बीच बना हुआ ये मंदिर। और चलिए थोड़ा सा कुछ आपको अंदर से भी दिखा देते हैं। इधर देखिए भगवान नंदी, यहाँ पे आते हैं फाइनली। और इस तरफ कुछ वाटिका टाइप का बना हुआ है, ये रहा मंदिर जो कि काफ़ी भव्य रूप में ऊंचा है। और अंदर और ये मंदिर भगवान शिव जी के ऊपर बना हुआ है। और ये मंदिर बेसिकली शिव जी का मंदिर, इसमें एक शिवलिंग भी है, ये देख सकते हैं यही शिवलिंग है महाकालेश्वर मंदिर का, ये भगवान भोलेनाथ का। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं जटाशंकर मंदिर की ओर। हम लोग ने कालेश्वर मंदिर देख लिया, अब चलते हैं जटाशंकर मंदिर की ओर। कालेश्वर मंदिर के बाद अब आ चुके हैं जटाशंकर मंदिर के पास आ चुके हैं। और ये है कुछ नज़ारा, ये एंट्री गेट है और ये कुछ नज़ारा रहा जटाशंकर मंदिर का। देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना मंदिर है, ये भी जंगलों के बीच में ये बना हुआ है ये मंदिर। सो फ्रेंड्स आपको कालेश्वर मंदिर और जटाशंकर मंदिर आपको दोनों मैं दिखा दिया हूँ। और अब चलते हैं आगे वाल्मीकि आश्रम, जो कि यहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर है। और हम लोग को ये टोटो वाले भैया नहीं ले जाएंगे, हम लोग को पैदल जाना होगा क्योंकि इन लोग को वहाँ पर जाना रेस्ट्रिक्टेड है, इन लोग को मना कर दिया गया वहाँ पर वहाँ जाने के लिए। क्यों मना किया गया उसको वो पता नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा मना कर दिया गया है कि टोटो से नहीं जाया जा सकता है वहाँ पर, सिर्फ वाल्मीकि आश्रम के पास हम लोग को पैदल ही वहाँ से जाना होगा वहाँ के लिए। सो वाल्मीकि आश्रम के लिए हम लोग निकल चुके हैं और काफ़ी थका देने वाली ये जर्नी है, काफ़ी धूप भी है। कुछ देर में पहुँचने वाले हैं वाल्मीकि आश्रम। देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ पे, पूरा यहाँ पे पानी है, उधर से कोई झरना है उधर से ही आ रही है ये पानी। चलिए अभी इधर इसे फांग कर जाना होगा। वो आराम से। चलिए अब इस पानी को हम भी पार करते हैं और इसके सहारे पार करते हैं और चलते हैं वाल्मीकि आश्रम। काफ़ी डेंजरस है भाई। देख सकते हैं यहाँ पर एक थो और झील मिल चुकी है, तो अब जूता खोलना ही पड़ेगा। अब जूता खोल लिया जाए। Thank you.
सो देख सकते हैं यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम, और इधर देख सकते हैं यहाँ पर नेपालमा हार्दिक स्वागत करधौ, यहाँ पर नेपाली भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेपाल का झंडा भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये प्रॉपर नेपाल में ही पड़ता है ये वाल्मीकि आश्रम। देख सकते हैं ये, देख सकते हैं जूता खोल कर चढ़ना पड़ रहा है इस ऐसी रास्ता पे, काफ़ी उखड़ खाबड़ रास्ता है, गिट्टी विट्टी निकला हुआ जिसके कारण मुझे दिक्कत हो रही है। सो फ्रेंड्स, पहुँच चुके हैं वाल्मीकि आश्रम, आप मेरे सामने देख रहे होंगे, यही है वाल्मीकि आश्रम। और यहाँ का क्या इतिहास है चलिए आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। सो फ्रेंड्स, इस आश्रम की यह इतिहास है कि यहीं पे ऋषि वाल्मीकि जी ने बैठकर रामायण का रचना किया था, और इसी स्थान पे माता सीता ने लव कुश को जन्म भी दिया था। तो ये स्थान काफ़ी पवित्र है और काफ़ी ऐतिहासिक भी है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा ट्रिप अब एंड होता है। यही था हमारा पटना से लेकर नेपाल का ट्रिप। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फिर मिलते हैं कुछ नए ट्रिप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।